हाय डियर फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में स्वागत है आपको। यहाँ पर देखिए इस वीवो वी नाइन को हम आईफोन एक्स का लुक देंगे। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वाइप बिल्कुल जेस्चर्स हो, स्वाइप हो, कंट्रोल सेंटर हो, बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह ही वर्क होता है। तो मैं अभी आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो वाला दिखाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल एड्स रहेगा, लेकिन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं पे करने के बाद। अराउंड 130 रुपीज़ कुछ पे करना है। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बने रहिए। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बना रहा हूँ यहाँ पर चैनल पर, और वीवो वी नाइन का तो बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाया हूँ। तो देखिए अभी कंट्रोल सेंटर बिल्कुल स्मूथ तरह से वर्क होता है। ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं आप ऐसे, तो म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं यहाँ से। तो टॉर्च है, तो बिल्कुल जैसे आईफोन एक्स का थीम होता है, जो भी ऐसे लॉन्चर होता है आईफोन का, बिल्कुल उसी लॉन्चर को आप अप्लाई कर सकते हैं एंड परमानेंटली यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्वाइप डाउन करेंगे, होम स्क्रीन पर जाएंगे। देखिए आइकॉन्स, शॉर्टकट सभी बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह ही वर्क होता है। तो दोस्तों अभी आईफोन एक्स की तरह ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ता है पहले प्ले स्टोर। जी हाँ, तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है आई लॉन्चर फॉर आईफोन एक्स करके सर्च कीजिए ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक्स लॉन्चर विद iOS स्टाइल थीम, तो ये वाला लॉन्चर बाई लॉन्चर डेवलपर, याद रखिए बाई लॉन्चर डेवलपर करके है, इन्होंने बनाया है। तो ये वाला इस लॉन्चर को अभी इंस्टॉल करना है हमें, तो जस्ट एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको प्रेस ऑन इंस्टॉल, इस बार आप जस्ट एक्सेप्ट करके टैप करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लॉन्चर्स हैं, थर्ड पार्टी लॉन्चर्स प्ले स्टोर, गूगल के प्ले स्टोर में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर आपको इंडिविजुअली सेट करना पड़ता है, अलग अलग से परमिशन देना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। है सिंपल और बहुत ही ईजी है, तो एक बार इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद होम स्क्रीन पर जाना है आपको, ये वाला वॉलपेपर भी आपको आ जाएगा, डोंट वरी, ये वाला वॉलपेपर सेपरेट से डाउनलोड नहीं किया हूँ मैं। तो देखिए अभी इंस्टॉल किया है हमने, तो जहाँ पर वो इंस्टॉल हुआ है होम स्क्रीन पर एक्स लॉन्चर करके है, जस्ट एक बार आपको ऐसे प्रेस करना है, ओपन करना है एप्लीकेशन को। करने के बाद यहाँ पर पहले टैप हियर टू स्विच टू फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, तो एक बार टैप करके ओके पर टैप कर दीजिए, वो रिस्टार्ट होगा ऐप। तो देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है अभी। तो ये है iOS 11 का लॉन्चर, iOS 12 का भी आप ला सकते हैं यहाँ पर। तो ये है आईफोन एक्स का स्टाइल में, देखिए बिल्कुल जो भी आइकॉन्स आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल आईफोन की तरह रहता है। व्हाट्सएप का हो, फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो, कुछ भी हो, स्लाइड आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल कंट्रोल सेंटर है। पर ऐप ड्रॉअर भी है सेपरेट से, टैप करेंगे तो बिल्कुल आईफोन एक्स के स्टाइल में यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल आईफोन एक्स। बहुत ही स्मूथ चलता है इस वीवो वी नाइन में, और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। इवन आइकॉन पैक्स भी है, अगर आप इस आइकॉन से संतुष्ट नहीं तो दूसरा आइकॉन पैक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस बनाए हूँ इस चैनल पर वीवो वी नाइन के रिलेटेड हो, और ढेर सारे जनरल DSLR टिप्स का हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। देखिए अभी सिर्फ लॉन्चर इंस्टॉल किया है, अगर आप जस्ट जाके ऐसा स्वाइप अप करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल आईफोन एक्स का नहीं है अभी। तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट करना है, ये लॉन्चर अभी डिफ़ॉल्ट सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं होम प्रेस करता हूँ, देखिए सेलेक्ट होम ऐप करके पूछता है, तो क्या करना है आपको, सेट एज डिफ़ॉल्ट करके है पहले इस पर एक बार टैप करके, टिक करके इसको एक्स लॉन्चर करके है ना, तो एक बार टैप कर दीजिए। अभी बिल्कुल आपका मोबाइल आईफोन एक्स का होम लॉन्चर होम स्क्रीन पर हो चुका है। तो इवन आप ऐसे स्वाइप डाउन करके देखिए होम स्क्रीन प्लेन ऐड कर सकते हैं ऐसा, तो ये ऐप ड्रॉअर भी वैसा ही है। तो अभी क्या करना है, लॉक स्क्रीन लाने के लिए फिर से प्ले स्टोर पर जाएंगे और एक ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो ये रहा एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या करना है आपको, लॉक स्क्रीन आईफोन करके है आईफोन एक्स, तो जस्ट सर्च प्रेस टैप कीजिए लॉक स्क्रीन आईफोन एक्स स्टाइल बाय लोमो स्टूडियो, ये वाला आपको इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन भी फ्री है, अगर पे कर देंगे तो आपको बिल्कुल एड्स नहीं आएगा। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, तो यहाँ से लेट्स स्टार्ट पर है, ग्रांट परमिशन देना पड़ता है, तो मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स पर एक बार एनेबल करना है आपको, तो कुछ देर लगेगा वो एनेबल हो जाएगा। फिर बैक लेना है, फिर ग्रांट परमिशन टू लोकेशन, अलाउ ग्रांट एक्सेस, यहाँ पर देखिए फ़ोन एक्स लॉकर करके है, दोनों को आप अलाउ करना है ऐसा। अलाउ करने के बाद एक बार बैक, और ग्रांट एक्सेस टू कैमरा फोटोज एंड एवरीथिंग, उसके बाद लेट्स स्टार्ट। जो डेवलपर्स ने बिल्कुल पे नहीं किया है ऐप दिखाने के लिए, मैं जस्ट वीवो वी नाइन का कैसे आप
आईफोन एक्स स्टाइल बना सकते हैं, वो वाला दिखाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। यहाँ से देखिए इनका भी सेपरेट लॉन्चर एंड डायलर ऐप सब है, वो भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कंट्रोल सेंटर लाना है हमको, तो ये कंट्रोल सेंटर लॉक स्क्रीन का जो भी है वो वाला एप्लीकेशन है। यहाँ से आप वॉलपेपर, राउंडेड कॉर्नर, नोटिफिकेशन स्टाइल, ये सारा एक्चुअली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ से पिन भी आप बना सकते हैं, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह वर्क होगा। अभी चलिए इसको क्या करेंगे हम, लेकिन एक बात याद रखना है, अगर ये आप यहाँ से जाके मल्टीटास्किंग का सब क्लोज ऑल कर देंगे तो ये चला जाएगा। इसके लिए आप एक बार ऐसे स्वाइप डाउन करके लॉक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं क्लोज ऑल करता हूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इसको आप ध्यान में रखना है। अभी लॉक करेंगे तो स्क्रीन को अनलॉक करता हूँ, तो बिल्कुल देखिए यहाँ से कंट्रोल सेंटर आता है, फास्ट कंट्रोल सेंटर, बिल्कुल सभी ठीक तरह से वर्क होता है, म्यूज़िक भी प्ले होता है यहाँ से। इवन सेटिंग्स पर जा सकते हैं आप जल्दी से, तो ये सारा बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्क होता है। एंड ऐसे आप लॉक स्क्रीन को ला सकते हैं आईफोन एक्स स्टाइल की तरह। यहाँ से ऐसे स्वाइप करेंगे आप थोड़ा तो फ्लैश ऑन होगा। देखिए अभी फ्लैश को ऑन करेंगे तो फ्लैश ऑन होता है, कैमरा को ऑन कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से स्वाइप अप करेंगे तो होम स्क्रीन पर जाएंगे, और बिल्कुल आईफोन एक्स का होम स्क्रीन है अभी। जस्ट आप ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो होम स्क्रीन आप बिल्कुल प्लेन होम स्क्रीन, ऐड होम स्क्रीन और ऐप्स भी बदल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट आप स्वाइप अप ऐसे टू फिंगर स्वाइप अप करेंगे तो पासवर्ड सेटिंग देना पड़ता है आपको। एक कुछ पासवर्ड देंगे अभी जस्ट जनरल दिखाने के लिए, तो 1 2 3 4 दो बार देके कंफर्म करता है। देखिए हाइड ऐप्स करके सेपरेट सेक्शन है, वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐड प्राइवेट ऐप्स, तो यहाँ से जो कुछ भी एप्लीकेशन आप प्राइवेट में डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल WPS ऑफिस को अगर मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ तो हाइड ऐप्स में चला जाएगा। यहाँ से बिल्कुल WPS ऑफिस आप ऐप्स में भी ढूंढ नहीं पाएंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर W में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं है एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से स्वाइप अप ऐसे, तो 1 2 3 4 यहाँ से आपको WPS ऑफिस एक्सेस मिलेगा। तो प्राइवेट आप बना सकते हैं कोई भी ऐप्स, यानी हिडन रख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। एक बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दिया है आईफोन एक्स लॉन्चर में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर है तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।